हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 24 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप लोग इस वीडियो को तब भी देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। तो इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, अब आप लोगों के पास बचे हैं सिर्फ 4 दिन। आप लोगों का जो टेस्ट है ये JKSSB के जो एग्ज़ाम्स अभी हाल ही में कंडक्ट करवाएंगे, ओली बोर्ड ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हर एक एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि अभी आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, अभी के लिए 10 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो है रिवाइज एंड एनालाइज। आप लोगों को सारी चीज़ें, जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं उसको रिवाइज करना है और उसके बाद अपने आप को एनालाइज करना है इन टेस्ट के द्वारा कि आपका अभी स्टेट रैंक क्या आ रहा है। ये टेस्ट होंगे कहाँ पे? टेस्ट होंगे ओली बोर्ड की ऐप पे, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को JNK एग्जाम्स में जाना है। वहाँ पे आप लोगों को ये एग्जाम्स दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट देना है, जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट पे क्लिक करना, वहाँ पे लॉक होगा सब पे। आप लोग किसी पे भी क्लिक करना, यस श्योर पे जाना, उसके बाद आप लोगों को सामने सारे के सारे टेस्ट दिख जाएंगे। जिसको भी लेना है आपको टिक करके वहाँ पे प्रोसीड करना है। SSS लिख देंगे तो आप लोगों को 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी हाल ही में एक प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो है वो शुरू किया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो स्टार्ट किया गया है ये किसके लिए किया गया है। तो ये स्टार्ट किया गया है या लॉन्च किया गया है स्टार्टअप्स के लिए और जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये चैलेंज है। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है MyGOV इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि MyGOV इंडिया किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसको हम लोग MEITY भी कहते हैं। तो इसके अंडर ये आता है, इन्होंने लॉन्च किया है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं या फिर टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें पार्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है अब इसका? अब इसके तहत ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी टेक फॉर्म्स हैं वो बिल्ड करेगी एक इंडिजिनियस प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हों। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में क्या आ जाता है, जैसे आपको वर्चुअल रियलिटी हो, रियल टाइम एनालिसिस हो, ये सब इसमें कंसीडर होगा और जो भी इसमें जीतेगा उसको काफ़ी एडवांसमेंट मिलेगी कैश प्राइज के रूप में या ये सब। तो आपको बस ये याद रखना है, पहला ये इनोवेशन चैलेंज का नाम क्या है, प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज है, किसके लिए शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अभी हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि NSWS इसको लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है इन्वेस्टर्स और बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा जी इसका आंसर अगर इन्वेस्टर्स है बिजनेस है तो हो सकता है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया हो, लेकिन इसका आंसर है यहाँ पे पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जो हैं इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया है किसके साथ मिलकर किया है? तो इन्होंने किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर। आपको इस पोर्टल का नाम याद रखना है, पोर्टल है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री का नाम याद रखना। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, एग्जाम में आप लोग कहते हैं कि पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें स्कीम्स या योजना पे डिपेंड होता है। तो ये कौन सी योजनाएं पूछी जाती है, कौन सी स्कीम पूछी जाती है जिनको अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स में हो, जैसे आप मान लीजिए एक इस बार बहुत ज़्यादा थी जो थी स्वनिधि। अब ये क्या था, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन था 10,000 रुपये तक का, कोलेटरल फ्री। वैसे ही अभी एक प्रोग्राम ऐसा है जिसने 3 साल अपने पूरे कर लिए हैं और ये एक 4 दिन का हाइब्रिड इवेंट जो है आरोग्य मंथन 3.0 ये ऑर्गेनाइज किया गया। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी स्कीम थी जो 2000 अगर मैं बात करूँ अभी जिसने 3 साल पूरे किए हैं। तो पहला इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये शुरू कब की गई थी, पहली बार इसको कब कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये हुई थी 23 सितंबर 2018 में। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इन्होंने अभी हाल ही में 3 साल पूरे होने पे एक 4 दिन का हाइब्रिड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम क्या था। तो आपको नाम याद रखना है आरोग्य मंथन, साथ में 3.0, ये भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है या किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, तो ये किया गया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब यहां पे क्वेश्चन एक और बनता है कि इसके मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, तो इनके मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी। पहले कौन थे, पहले थे हर्षवर्धन जी, इनका नाम याद रखना क्योंकि बहुत बार हर्षवर्धन जी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास तौर पे जब से कोविड आया है हेल्थ एंड फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है मिनिस्ट्री। मनसुख मांडविया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, तो ये गुजरात से इलेक्टेड है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाती हैं आजकल चीज़ें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के ऊपर, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने एक ऑर्गेनाइज करी है वर्कशॉप जिसका नाम है कनेक्टिंग ऑल इंडियंस। अब ये जो है ये ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम में आते हैं, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोग अगर गेस करने जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। कनेक्टिंग ऑल इंडियंस एक वर्कशॉप अभी की गई है जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि इंडिया को बनाना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्रीज, यानी कि आप किसी भी कोने में हो तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओ। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों को लगेगा जी वर्ल्ड की बात की गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इन्होंने ये स्टार्ट किया है एक वर्कशॉप जिसका नाम रखा गया है कनेक्टिंग ऑल इंडियंस। अब इसी के साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे क्या किया गया है, इस वर्कशॉप के तहत इनवाइट किया गया है जितने भी पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे आप लोगों का जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको रखा गया है ताकि एक मैप किया जाए, और जितने भी अनकवर्ड विलेजेस हैं यहाँ पे या जितने भी अनकवर्ड विलेज या टाउन हैं उन्हें कनेक्ट किया जाए इंटरनेट के द्वारा। तो ये जो स्कीम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री की बात की गई है, लेकिन ये की गई है पूरा इंडिया जो है वो इसको अंदर ही कवर करने के लिए। तो ये याद रखना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कर रहा है, और कोशिश की जाएगी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने की जितने भी अनकवर्ड विलेजेस या टाउन्स अभी भी रह गए हैं इंडिया के। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अभी हाल ही में ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई हैं जिसके इफ़ेक्ट्स के द्वारा अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन और हेल्थ के इम्पैक्ट जितने भी होते हैं एयर पोल्यूशन के द्वारा, तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, काफ़ी इजी है, अगर आप इसको गेस भी करेंगे पेपर में तो आप कर सकते हैं, WHO ने करी है ये। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, WHO ने जो इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता थी रिपोर्ट उसको बंद कर दिया है पब्लिश करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इसको बंद किया है, ये भी आपको याद रखना है, ये अभी करंट अफेयर्स में था, इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस आई हैं इसके तहत दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो उसमें एक आती है आपकी बांग्लादेश, दूसरी आपकी आती है पाकिस्तान, और तीसरी आपकी आती है इंडिया, और ये तीनों जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और बिल्कुल अच्छी न्यूज़ ये नहीं है किसी भी रिस्पेक्ट में। बात करते हैं WHO की अगर हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो वो है जिनेविया में, जिनेविया कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है ये, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपको इनके डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद रखना है, उनका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस, तो इनका बस आपको इतना नाम याद रखना है, टेड्रोस से याद रखना आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, अभी हाल ही में यूनाइटेड इन साइंस एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ये किसने रिलीज़ की है, तो ये जो रिलीज़ की गई है रिपोर्ट्स पर बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिपोर्ट्स हो गई, इंडेक्स हो गए, टॉप किसने किया है, ये सब एक ना एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो किसने किया है ये रिपोर्ट को अभी हाल ही में, तो ये किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ये याद रखना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जिनेविया में है, तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स है 193।
अगर यहाँ पे आप बात करूँ मैं यहाँ पे आपसे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर्स जो हैं पहले थे 8, लेकिन इसमें एक और ऐड हुआ है तो ये अब टोटल हो गए 9। जो एक ऐड हुआ है वो है ईरान। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। तो आपको ये भी याद रखने हैं क्वेश्चन, ये अभी कल की न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए एग्जाम में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा SCO के टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो भूल के भी 8 मार्क मत करना। अपने नोट्स में इसको ठीक कर लो जिसने भी जो बनाए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा बैंक है जिन्होंने मास्टर कार्ड की मदद के साथ यूज़ बेफिकर एक कैंपेन शुरू किया है। यूज़ बेफिकर जो है यह लॉन्च किया गया है RBL बैंक के द्वारा। RBL बैंक ने किया है, मास्टर कार्ड न्यूज़ में बहुत देर तक था। रीज़न क्या था? RBI ने मास्टर कार्ड पे क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अब ये कोई भी नया क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते किसी भी यूज़र को। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इनकी गाइडलाइंस में नहीं आए थे। और RBI ने सेम क्रेडिट कार्ड के लिए जो HDFC पे इनका बैन था 8 महीने से, वो हटा दिया है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर दुनिया में, अगर आपसे पूछा है इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक का बेस है या सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर किसके हैं, तो वो HDFC के ही हैं 8 महीने के बैन के बाद भी। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जो आप लोगों का एग्जाम में एक टॉपिक बनता है अवार्ड्स के रिलेटेड, वहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये कौन देता है? तो ये देती है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये क्वेश्चन आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसे नोट करिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि ग्लोबल ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड देता कौन है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स देती है, फाउंडेशन देती है। अब दिया किसको है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको ये देखना है। पूछा गया है 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फुमजिले मलाबो को दिया गया है। इनका नाम है नगुका, तो ये भी याद रखना है। ये कहाँ से है? ये साउथ अफ्रीका से है। इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद नहीं करना, इनके अलावा 3 अवार्ड और दिए जाते हैं जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं। फेरोज फेजा हैं, ये कहाँ से हैं? आपको जगह का नाम भी याद रखना है, बांग्लादेश से हैं। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया गया है प्रोग्रेस अवार्ड। सेम है ग्लोबल प्रोग्रेस अवार्ड। बात करते हैं जेनिफर कोलपास की। जेनिफर कोलपास को मिला है यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जो फेरोज फैजला है इन्हें मिला है चेंज मेकर अवार्ड, बांग्लादेश से है। बात करते हैं यहाँ पे जेनिफर कोपलास की, इनको मिला है प्रोग्रेस अवार्ड। ये कहाँ से है? तो ये है कोलंबिया से। और अगर हम बात करें सता शरीफ की, तो सता शरीफ लाइबेरिया से है और इन्हें मिला है कैंपेन अवार्ड। अब एग्जाम में आपको वर्ड का ध्यान रखना है पूछा क्या गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा चेंज मेकर अवार्ड, तो याद रखना फेरोज फैजा को मिला है। प्रोग्रेस अवार्ड अवार्ड मिला है जेनिफर कॉलपैस को। सता शरीफ को मिला है, शरीफ को मिला है कैंपेन अवार्ड। और फुमजिले मलाबो नकुका को मिला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप लोगों को नोट कर लेने, एग्जाम में एक पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन आर्चर हैं जो अर्जुन अवार्डी भी रह चुके हैं? इन्हें वर्ल्ड आर्चरी एथलीट्स कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो नाम याद रखना अभिषेक वर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अभिषेक वर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये है आर्चरी से रिलेटेड। आर्चरी से एक नाम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दीपिका कुमारी। इनका नाम भी याद रखना, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में ऑलरेडी थे, वर्ल्ड कप हैट्रिक किया है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2021 हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किसके लिए? इसके तहत एक क्रिएट अवेयरनेस की जाती है साइन लैंग्वेज के लिए, जिस जो डेफ पीपल हैं उन लोगों के लिए। तो ये क्या है, किस डेट को ये ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है हर साल 23 सितंबर को ऑब्जर्व। इसकी थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम को याद रखना। इसकी थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थीम एग्जाम में पूछे जाती हैं आजकल ज़्यादातर।
तो 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन किया है विद विंगशोर टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना में एक जगह है रामप्पा टेम्पल, ये मैंने आपको हर बार रिपीट करता हूँ जब भी नाम आता है। ये पहली साइट है किसकी? तेलंगाना की, और 39th साइट है इंडिया की जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का अवार्ड मिला है। टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट पूछी जाए तो वो 40 हैं, अगर आपसे टोटल रामसर साइट पूछी जाए तो वो 46 हैं। पहले 42 थी लेकिन चार भी हाल ही में ऐड हुई हैं, तो टोटल नंबर आपको याद रखना है वो है 46। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी को अपॉइंट किया गया है किस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी? तो किस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है यहाँ पे इन्हें? तो इन्हें किया गया है पंजाब का। पंजाब के जो CM हैं अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। जो अगर हम बात करें यहाँ पे इस समय, अगर आपसे पूछा जाए एक और क्वेश्चन कि पंजाब के CM कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि पंजाब के गवर्नर कौन है। आज मैं आपको होमवर्क देना भूल गया, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को बताना है। पंजाब में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, गुरु नानक गुरपुरब हो गया, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो ये आपको याद रखना है पंजाब के रिलेटेड। तो पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे? तो वो होंगे अनिरुद्ध तिवारी जी, इनका नाम भी याद रखना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो 3rd वीक ऑफ सितंबर है जिसमें उसका टेस्ट लूँगा, वीकली करंट अफेयर्स के रूप में आते हैं जो लोग डेली नहीं दे सकते, वहाँ पे मैं आपको बेस्ट 35 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अब से वो क्लास जो होगी वो आपकी लाइव क्लास होगी, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। तो आप लोग रिवाइज कर लेना और कोशिश करना वहाँ पे 35 में से 35 मार्क्स लेके आने के। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।